पीटीआई रहनुमा सप्तैन खान को स्पीकर पंजाब असेंबली बनाने का फैसला। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने सप्तैन खान के नाम की मंजूरी दे दी। सप्तैन खान के नाम की मंजूरी इमरान खान और परवेज इलाही मुलाकात में दी गई है। तो आपको बता चलें, इमरान खान की और परवेज इलाही की मुलाकात हुई जिसमें ये अहम फैसला किया गया है। सप्तैन खान के नाम की मंजूरी इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में हुई और पीटीआई की सीनियर क़यादत ने सप्तैन खान के नाम की मंजूरी दे दी है। पीटीआई रहनुमा सप्तैन खान को स्पीकर पंजाब असेंबली बनाने का फैसला किया गया है। पीटीआई की सीनियर क़यादत ने सप्तैन खान के नाम की मंजूरी दी है। इससे कबल आपको बता रहे थे, परवेज इलाही और इमरान खान की अहम मुलाकात हुई जिसमें सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई और इस हवाले से सप्तैन खान के नाम की भी मंजूरी दी गई है। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में पीटीआई की सीनियर क़यादत ने सप्तैन खान के नाम की मंजूरी दी है। पीटीआई रहनुमा सप्तैन खान को स्पीकर पंजाब असेंबली बनाने का फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं, पीटीआई की सीनियर क़यादत ने सप्तैन खान के नाम की मंजूरी दे दी है। सप्तैन खान के नाम की मंजूरी इमरान खान और परवेज इलाही मुलाकात में दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया क्या? देखिए, स्पीकर पंजाब असेंबली का ओहदा जो है वो चौधरी पवेला के वजीर आला बनने से खाली हो गया है। अब इस नाम के लिए जो है स्पीकर पे ओहदे पे जो इंतखाब होना है उसके लिए पीटीआई को अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारना है। तो आज की इस मुलाकात में सप्तैन खान का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है। थोड़ी देर में सियासी कमेटी का जो इजलास होने जा रहा है उसमें इसकी हतमी मंजूरी हासिल कर ली जाएगी। चौधरी पवेला और जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है, इनकी मुलाकात में इस नाम की असूली तौर पर मंजूरी दे दी गई है। तो यूं तरीके इंसाफ की क्यादत ने सप्तैन खान का नाम जो है वो स्पीकरशिप के मनसब के लिए फाइनल किया है। पीटीआई इनको इंतखाबी मैदान में उतारेगी ताकि जो परवेज इलाही के जाने से ओहदा खाली हुआ है। और पीटीआई को इस वक्त पंजाब असेंबली के ऐवान में 186 अरकान की हमायत हासिल है और स्पीकर के लिए इतने ही वोट जो है वो दरकार हैं। तो अब पीटीआई की क्यादत ने जो इब्तदाई मुशावरत की है उसमें सप्तैन खान जो के पहले सबक सूबाई वजीर रह चुके हैं, फिर पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर के मनसब पर भी रह चुके हैं और अब उनको जो है स्पीकर की शिफ्ट के लिए उनका नाम फाइनल किया गया है। जो सियासी कमेटी में अभी नाम थोड़ी देर बाद तमाम क्यादत के सामने रखा जाएगा और उसकी हतमी मंजूरी जो है वो सियासी कमेटी के इजलास से हासिल कर ली जाएगी। तो इस तरह अब पीटीआई का जी अब उनको फेवरेट उम्मीदवार करार दिया जा रहा था और अब इस मुलाकात में इनका नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है और सियासी कमेटी के इजलास में बाजाब्ता इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।